हाय फ्रेंड्स, क्या आपने कभी कमोडिटी फंड्स के बारे में सुना है? कमोडिटी ट्रेडिंग आपको पता होगी, कमोडिटीज भी लोगों को पता होता है कि क्या होता है, लेकिन कमोडिटी फंड्स आज हम आपको इससे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कमोडिटी फंड्स वो फंड्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स में या फिर प्राइमरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, जिसे हम कमोडिटी बुलाते हैं। तो ये फंड्स प्रेशियस मेटल में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या फिर एनर्जी रिसोर्सेज, ऑयल और नेचुरल गैस हो गया। इसके बाद एग्रीकल्चरल गुड्स जैसे कि वीट या और भी एग्रीकल्चरल गुड्स। अब कमोडिटी फंड्स उन कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो ये कमोडिटीज प्रोड्यूस करती हैं। तो कमोडिटी फंड्स वो फंड्स हो गए जो इन कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, एज अ रॉ मटेरियल चाहे आप ले लीजिए या फिर कमोडिटी वाली कंपनीज में जो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है उन कंपनीज को। अब इनके बेनिफिट्स क्या हैं? अब इनका एक बहुत ही यूनिक मेकअप है। कमोडिटी फंड्स अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स दे पाती है अलग अलग इन्वेस्टर्स को, जैसे कि सबसे पहला हो गया पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अब हर इंसान को ये पता है कि उसको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए, और कमोडिटी फंड्स जो हैं इनका बहुत ही लो कोरिलेशन है स्टॉक मार्केट मूवमेंट से, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छे डाइवर्सिफिकेशन बन जाते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन, कमोडिटी प्राइजेस जो हैं ये इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ते रहे हैं आज तक, और कमोडिटी उन कुछ चुनिंदा एसेट्स में से बन गया है जिसे इन्फ्लेशन से उल्टा फायदा होता है। तो अगर आप इन्फ्लेशन से बचाना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को, तो आप तब भी कमोडिटी फंड्स का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आखिर में मैं कहूँगा पोटेंशियल फाइनेंशियल ग्रोथ, जो इनका पोटेंशियल है। कमोडिटी प्राइस जो है ये बढ़ते रहते हैं और गिरते भी रहते हैं सप्लाई डिमांड के हिसाब से, और कमोडिटी जितना ज़्यादा डिमांड होगा प्राइस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और प्रॉफिट्स भी इन्वेस्टर्स को उतना ही ज़्यादा मिलेंगे। और फ्यूचर में कमोडिटीज़ के जो डिमांड है, आपको भी पता है कि कॉमन सेंस है कि ये आगे बढ़ने ही बढ़ने हैं जैसे जैसे ग्रोथ होगी। अब कमोडिटी फंड किस टाइप के होते हैं? अब इसमें भी कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप हो गया जैसे इंडेक्स फंड्स। ये फंड्स ट्रैक करती हैं किसी इंडेक्स को जिसमें अलग अलग तरीके की कमोडिटीज़ हैं। इसके बाद आता है कमोडिटी फंड्स, इसे हम ट्रू कमोडिटी फंड्स कहते हैं, सच्चे कमोडिटी फंड्स। क्यों? क्योंकि ये फंड्स डायरेक्टली कमोडिटी एसेट में ही इन्वेस्ट करते हैं। एक ऐसी कमोडिटी फंड का एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कि वो फंड जो डायरेक्टली गोल्ड या ऑयल खरीद लेती है, तो उसे आप कहेंगे कमोडिटी फंड्स। इसके बाद है फ्यूचर्स बेस्ड कमोडिटी फंड्स। ये फंड्स ऑफर करती हैं एक्सपोजर कमोडिटीज में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, तो आप उस कमोडिटी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या तो बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, आपको एक्चुअली उस कमोडिटी को खरीदने की जरूरत नहीं है, तो इसे हम कहेंगे फ्यूचर बेस्ड कमोडिटी फंड्स। अब इसके साथ कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड है और कुछ मिथ्स भी हैं, जो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप इससे जुड़े रिस्क और मिथ्स इन दोनों को भी आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।